तो वॉट इज़ अप क्रेजीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल घनेश स्पेस दिस इज़ घनेश सो मेरे पास आज सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो अभी इंडिया से कैनेडा के लिए ट्रैवल करने वाला है और उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा या नहीं सब कुछ मतलब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से लेकर उसने काफ़ी कुछ मेरे से पूछा तो so, मैंने उसका जवाब दिया और मेरे को लगा एक काफ़ी जर्नल टॉपिक है क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सबकी भी हेल्प हो जाए सो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा कैनेडा के अंदर क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी करंटली इंपोज हैं जनवरी ट्वेंटी में और कैसे कुछ आपको ट्रीट करा जाएगा अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं अगर आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और अगर आपको कोविड हो गया था पर अगर अब आप रिकवर कर गए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हमने अपने वीडियो का आउटर बाहर इसलिए शूट कराया क्योंकि आज बाहर सनी है बाहर धूप निकली है और विंटर्स के अंदर बीसी के अंदर धूप निकलने का मतलब है ईद का चांद सो तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू और बात कर लेते हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है कैनेडा के अंदर सो so इस वीडियो को हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल्ली वैक्सीनेटेड के बारे में यानी कि जिन्होंने अपने दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन्स लगवा रखी हैं फिर हम बात करेंगे पार्शली और नॉन वैक्सीनेटेड के यानी कि जो अनवैक्सीनेटेड हैं और या जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है तीसरा हम बात करेंगे उनके बारे में जिनको कोविड हो गया था पर अब वो रिकवर कर गए हैं अब वो सिम्टम्स फ्री हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बारे में जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं यानी कि जिन्होंने अपनी दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवा रखी हैं वो फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे अपने ट्रैवल के लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के हिसाब से फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है आपने अपनी दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवा ली हैं और जो आपकी सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन थी वो वो एटलीस्ट फिफ्टीन डेज बिफोर लगी थी आपकी डेट ऑफ ट्रैवल से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ट्रैवल करना है फिफ्टीन ऑफ अगस्त को सो तो मेरे को सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगवानी पड़ेगी एक अगस्त के आसपास यानी कि एक अगस्त को या आसपास भी नहीं एक अगस्त को मेरे को अपनी सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगवानी पड़ेगी अगर मैं उससे पहले लगवा लेता हूँ तो वेल एंड गुड अगर मैं उसके बाद लगाता हूँ मेरे को और मैं फिफ्टीन को ट्रैवल कर लेता हूँ सो दे विल नॉट कंसिडर मी एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल फिर मेरे को सेम सारे वो ही प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो अनवैक्सीनेटेड या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड फॉलो करने होंगे अब बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में सो so, ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन आ रहा था अभी तक कि अगर मैंने कोवैक्सीन लगवा ली तो क्या वो मुझे फुल्ली वैक्सीनेटेड कंसीडर करेंगे या फिर वो फिर भी मेरे को मेरे टेस्ट वगैरह कराएंगे या क्या होगा अगर मैंने कोवैक्सीन लगवा ली मेरे को वहाँ जाकर दोबारा कोई फाइजर वगैरह की डोज लेनी पड़ेगी क्या सेकेंड डोज सो बिल्कुल टेंशन ना लें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कोवैक्सिन को अप्रूव कर दिया है वो अप्रूव लिस्ट के अंदर आ गई है सो so, अब अगर आप कोविनशील्ड या कोवैक्सिन कोई भी लगवाते हैं सो so, आप फुली वैक्सीनेटेड ही कंसिडर करे जाएंगे सो so, आप बिल्कुल टेंशन ना लें सो so, अगर अब आप इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट कर देते हैं देन कंग्रेचुलेशन यू विल बी कंसीडर एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन सो उसके बाद आपके लिए चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको एक प्री एंट्री टेस्ट कराना होता है वो आप अपनी होम कंट्री से भी करा के चल सकते हैं यानी कि हम इंडिया से भी करा के चल सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा जो ट्रैवल ड्यूरेशन है ले वगैरह स्टॉप्स वगैरह मिला के सेवेंटी आवर्स से कम है क्योंकि हमको सेवेंटी आवर्स तक ही की ही कोविड रिपोर्ट दिखानी होती है अगर वो उससे पुरानी है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो so, ये थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट सो so, दूसरी रिक्वायरमेंट है अराइव कैन ऐप की सो so, आप ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अराइव कैन की और उसमें आपको अपनी ट्रैवल डिटेल्स भरनी होती हैं आपका फ़्लाइट नंबर आपकी फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ करेगी कौन सी डेट को है सो so, ये सारी डिटेल्स हमको भरनी होती है हमारा ट्रैवल क्वारंटीन प्लान वगैरह सब कुछ और फिर वो हमको क्यू आर कोड रिसिप्ट के साथ बना के देता है सो so, हम मेक श्योर कर कि हम उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखें ये थी हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ वैक्सीन यानी कि जो भी हमने अपनी होम कंट्री में दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन ली थी उसका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन जो भी सर्टिफिकेट या एक्नोलिजमेंट हमको वहाँ से मिलता है हमको वो अपने साथ रखना है और मेक श्योर sure कर लें कि वही सेम आप अपनी अराइव कैन ऐप में अपलोड करें सो so, आपको अपनी अराइव कैन में अपलोड भी करना है और आपको दो फोटो कॉपी उसके साथ भी रखनी है एंड मेक श्योर कर लें कि जो भी आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है वो इंग्लिश या फ्रेंच में हो इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में ना हो फोर्थ रिक्वायरमेंट है यू शुड हैव अ क्वारंटीन प्लान पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे आते ही क्वारंटीन करना पड़ेगा या सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ेगा इसका बेसिक पर्पज ये है कि इन केस आपके जो अराइवल टेस्ट रिजल्ट हैं जो आप एयरपोर्ट पर आके अपने सैम्पल देते हैं इनकेस अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्वारंटीन करेंगे कैसे

पे आएंगे उस पर आने के बाद आपको कैनेडा के अंदर एक अराइवल टेस्ट देना होता है मोलिकुलर टेस्ट सो उसके लिए आप अपनी पहले से ही बुकिंग करा करा सकते हैं आप अपनी होम कंट्री से भी या आप आप कहीं पे आपने लेवर लिया वहीं पे इसको पहले से ही प्री बुक कर सकते हैं सो so इसकी वजह से जब आप एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो आपको रश नहीं करना पड़ेगा एकदम से बुक कराना बुक भी कराना है फिर एकदम सैम्पल भी दे के आने हैं तो so काफी रश रहता है वहाँ पर उस टाइम तो आप पहले से ही अपना कोविड टेस्ट बुक करा लें अराइवल वाला सो ये थी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इफ यू आर अ फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल और इसमें मैं आपको बता दूं अगर आपका जो प्री एंट्री टेस्ट था अगर वो इन केस पॉजिटिव आ जाता है तो आप ट्रैवल ना करें फिर आप फिफ्टीन डेज़ का बफर लें आप फिफ्टीन डेज बाद ही ट्रैवल करें क्योंकि अगर आप, आप आ भी जाते हैं तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेज में वो मना कर देंगे वो आपको वापस भेज देंगे पहले तो आप अपने अराइवल टेस्ट आने का वेट करें आप ये ना सोचें कि वो मेरे को एक्स वाई जेड पर्सन ई मेल कर देगा या कुछ हो जाएगा सो आप पहले मेक श्योर sure करें जो आपका अराइवल टेस्ट था वो नेगेटिव है तभी आप आगे ट्रैवल करें कैनाडा के लिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड हैं सो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक सेम है बस आपको आपके लिए जो क्वारंटीन प्लान है वो मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद क्वारंटीन आइसोलेशन में जाना ही जाना पड़ेगा सो so, आपको एक फुल प्रूफ क्वारंटीन प्लान रेडी करना होगा और आपको गवर्नमेंट को अराइव कैंप पर भी सबमिट करना पड़ता है सो so, आप मेक श्योर करें आप उसकी कॉपी भी अपने साथ रखें और आप रेडी रहें क्वारंटीन के लिए क्योंकि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा और आपको दो टेस्ट एक्स्ट्रा कराने पड़ते हैं दो टेस्ट के आपको एक टेस्ट एक्स्ट्रा कराना पड़ता है आपका अराइवल टेस्ट के बाद एक डे एट पे भी टेस्ट होता है आपको जो आपका जो फोर्टीन डेज़ का आइसोलेशन पीरियड होता है उसमें डे एट पर एक और टेस्ट होता है सो तो आपको एक टेस्ट, टेस्ट फालतू कराना पड़ता है और आपको चौदह दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ता है और आपके लिए जो क्वारंटीन प्लान है वो भी मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि आपको क्वारंटीन करना ही करना है तो आपको अराइव कैन पर भी और एक हार्ड कॉपी भी क्वारंटीन प्लान की रखनी ही पड़ती है सो so, अगर मैं अब मैं इसको अप करके आपको बताऊं सो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के लिए या पार्शली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी होगी अराइव कैंप के रिसिप्ट आपके टेस्ट रिजल्ट्स प्री अराइवल टेस्ट रिजल्ट्स जो कि नेगेटिव होने चाहिए और तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आपके पास एक फुल प्रूफ फुल फ्लैच आपके पास एक क्वारंटीन प्लान होना चाहिए जिससे आप फॉलो करेंगे चौदह दिन के आइसोलेशन के लिए अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं और आपको डे एट पर एक दूसरा टेस्ट देना होता है जो कि आपका नेगेटिव ही आना चाहिए तभी आप अपना क्वारंटीन से बाहर जा सकते हैं इनकेस अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आपको फिर फिर फर्दर चौदह दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा इसके अंदर एक स्पेशल केस भी आता है कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है आप उसकी वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या फिर आपको कुछ एलर्जी है उन वैक्सीन से तो so, वो आपको वीज़ा ऑफिसर को या फिर जो भी वहाँ पे फिर ऑफिसर होगा उसको प्रूफ करना होता है अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल हिस्ट्री दिखा के सो दे कैन एक्जाम यू फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन और जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं वो कनाडा के अंदर जब अपना उनका आइसोलेशन कम्प्लीट हो जाता है सो so वो वो फिर फर्दर यहाँ पर कैनेडा के अंदर अपनी वैक्सीन दोनों डोजे ले सकते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है और अगर उनके पास फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इंडिया से है तो वो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन अपनी कैनेडा के अंदर ले सकते हैं कुछ दिक्कत नहीं आती कहीं भी सो so, अब थर्ड और लास्ट कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनको कोविड हो गया था पर अब वो रिकवर कर गए हैं नाउ दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स तो उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स सेम है बस उनको लास्ट में जो हमारा अराइवल टेस्ट था जो हमको एयरपोर्ट पर आने के बाद अराइवल टेस्ट देना होता है उससे एक्जामेशन मिल सकती है और जो डे एट पे हमारे क्वारंटीन के डे एट पे जो टेस्ट होता है उससे एग्जामेशन मिल जाती है कंडीशन यही है कि जब भी हमको कोविड हुआ था हमको अपने वो टेस्ट रिजल्ट्स कैरी करने होंगे सो so, वो एटलीस्ट पंद्रह दिन पुराने होने चाहिए और मैक्सिमम वन एट्टी डेज़ वन एट्टी डेज़ से ज़्यादा पुराने ना हो और एटलीस्ट पंद्रह दिन पुराने हो सो so, ये कुछ रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव में और क्वारंटीन के बारे में अगर बात करें उन लोगों के बारे में जिनको कोविड हुआ था वो रिकवर कर गए हैं सो ये केस टू केस डिपेंड करता है वो आपको वीज़ा ऑफिसर बता देगा कि आपको क्वारंटीन में जाना है या नहीं आप बाहर जा सकते हैं फ्रीली सो इट्स बेटर इफ़ यू आस्क द ऑफिसर डायरेक्टली सो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले जो हमारा अराइवल टेस्ट है हम मेक श्योर sure कर लें कि उसके जो रिज़ल्ट हैं वो नेगेटिव आएँ क्योंकि अगर इन केस वो पॉजिटिव आ जाएंगे सो so हम कनाडा में जब भी एंटर नहीं कर पाएंगे ऑफिसर मना कर देगा दूसरा आप जब भी अपना कोविड टेस्ट कराएं आप मेक श्योर sure कर लें उसके ऊपर ये सारी चीज़ें प्रिंटेड हों और वो रीडेबल हों तीसरी रिक्वायरमेंट आप केवल आप केवल पीसीआर या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट ही कराएं आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ना कराएं वो एक्सेप्टेड नहीं है और ये पूरी लिस्ट है जो टेस्ट अप्रूव्ड है सो तो आप इनमें से कोई सा भी टेस्ट करा सकते हैं लास्टली जब भी आप अपना सेल्फ आइसोलेशन करें आप बाहर बिल्कुल ना जाएं अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अगर आप अपना क्वारंटीन ब्रेक करते हैं तो आपको सिक्स मंथ की जेल भी हो सकती है या फिर आपको जो पुलिस ऑफिसर है वो फाइव थाउजेंड डॉलर्स की टिकट दे सकता है विच इज़ ह्यूज सो बिल्कुल भी बाहर ना जाएँ अपना क्वारंटीन कम्प्लीट करने के बाद ही बाहर जाएँ सो दिस इज़ इट आई होप कि आपको अब आप काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हैं और कैसे कैसे ट्रैवल करना है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है So, this is it for today. Let me know in the comment section if you have any questions. So, that's it. Bye bye, guys. Thank you so much for watching my video.